So this is the question, find first and last position of element in sorted array and direct solution पे चलते हैं. पहले यहाँ पे एक हमने अपनी खुद की वेक्टर डिफाइन करी है, उसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन किया आर ई एस एन पी एस, इसको रेस एन पी एस कह सकते हैं. इसमें हमने कोई भी मैक्सिमम इंटीजर डाल दिया और इसमें मिनिमम इंटीजर डाल दिया. उसके बाद एक स्टार डिफाइन करा जो कि ज़ीरो है, एंड आफ्टर दैट हमने एक एंड डिफाइन किया है जो कि नम साइज माइनस वन है, विच मीन्स अगर आप ऐसे एरे को देख रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक स्टार्ट डिफाइन किया ज़ीरो पे, और ये अगर एरे का साइज एन है तो जो यहाँ पे आएगा तो एन माइनस वन हमने यहाँ पे एंड डिफाइन किया. अब उसके बाद ये अगर कोई नहीं मिलता है लाइक जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे हमने एक लूप स्टार्ट किया है जब तक ये इससे लाइक स्टार्ट जो है हमारा, जब तक स्टार्ट हमारा छोटा रहेगा या इक्वल्स टू रहेगा एंड तक, विच मीन्स अगर ये ज़ीरो है और ये टेन है तो अभी ये करंटली चलेगा, क्योंकि अभी स्टार्ट फॉर एग्जांपल हमारी एरे ज़ीरो से टेन की है तो अभी ये चलेगा यहाँ पे स्टार्ट और एंड. अब हमें मिड फाइंड किया हमने, वही जो हम सर्च के लिए करते हैं बाइनरी सर्च के लिए, पहले मिड को फाइंड करेंगे फिर उसके लेफ्ट राइट देखेंगे. तो हमने मिड फाइंड किया तो 0 + 10/2 = 5, तो हमारा 5 मिड आया. अब हम अपने इस एलिमेंट को, ये जो 10 था, हम सेंटर में लेके आ गए. मैं क्या एरे ड्रॉ कर देता हूँ 0 से 10 तक, अभी हम उसे सेंटर में लेके आ गए. अब हमें देखेंगे कि सेंटर वाले एलिमेंट जो है, अगर वो सेंटर वाला एलिमेंट हमारे टारगेट के इक्वल है, हमारा टारगेट जो था फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट 10 था, हमारा सेंटर वाला एलिमेंट 10 के इक्वल है अगर, तो हम उसको स्टोर करा लेंगे. उसके अंदर एक चीज़ और चेक करेंगे कि जो हमारा रेस है वो मिड से बड़ा है, वो ऑफ कोर्स ही बात है मिड से बड़ा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक मैक्सिमम नंबर डिफाइन किया है. यहाँ पे एक मैक्सिमम नंबर है जो भी एक हमारे प्रोग्राम में मैक्सिमम नंबर होल्ड हो सकता है, 10^9, 10^12 जो भी हो सकता है मैक्सिमम नंबर है. तो ऑब्वियसली जो हमारा मिड है, मिड से तो ये बड़ा ही होगा क्योंकि हमारा मिड जस्ट 5 है. तो अगर ये बड़ा है तो रेस के अंदर मिड स्टोर करवा दो. तो अभी रेस के अंदर क्या रखे हैं, रेड्स के अंदर अभी 5 आ गया क्योंकि 0 + 10/2 = 5. अब उसके बाद एंड में क्या करवाना है, जो हमारा एंड है इसका मतलब कि हमें 10 सेंटर पे मिल चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसके लेफ्ट में और नंबर है या नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर हमारी एरे ऐसे है और 10 यहाँ पे और ये 5 है और यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो हमें नहीं पता ना 4 और 3 पे 10 है या नहीं है. हमें एक अक्रेंस मिल गई है, पोटेंशियली हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे नहीं होते 10, अगर यहाँ पे 8, 9 सम अदर डिजिट होती तो जो हमारा 10 होता है ये हमारी फर्स्ट अक्रेंस होती, बट अभी हमारी फर्स्ट अक्रेंस इसको हम कंफर्म नहीं कह सकते. तो हमने अपने एंड को, जो हमारा यहाँ पे एंड था, हमने अपने एंड को बिल्कुल मिड के लेफ्ट में बुला लिया. वो क्यों बुला लिया वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो क्यों बुलाया. फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल हमारी एरे है, इसको हमने ऐसे 0 से 10 तक डिफाइन कर लिया. अब हमारे मिड पे 10 है और हमें देखना है कि लेफ्ट में 10 तो नहीं है, तो हमारा एंड यहाँ पे था, हमारा स्टार्ट यहाँ पे था. तो जब हमें पता है कि मिड पे 10 है तो अब यहाँ से देखना शुरू करते हैं ना, वही यार जो बाइनरी सर्च होता है प्रॉपर बाइनरी सर्च है. बस इसमें ये करना कि इसमें लेफ्ट में चेक करवा रहे हैं, उसमें भी लेफ्ट और राइट चेक करवाते थे, इसमें बस हमें फर्स्ट और लास्ट अकरेंस चेक करवानी है. उसमें सिर्फ ये चेक करवाते थे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 10 10 होता तो उसमें कहीं पर भी मिलता हम उसको कह देते कि यहाँ पर मिला, बट इसमें ऐसा नहीं कर सकते. सॉरी, अभी स्टार्ट है एंड है, ये एंड यहाँ पे आ गया. और तो अभी 5 था हमारा मिड, अभी हमारा 5 था तो मिड माइनस 1 पे आया, विच मीन्स स्टार्ट अभी हमारा 0 हो गया और एंड अभी हमारा 4 हो गया. तो अब हम 0 से 4 तक चेक करेंगे, इसके बीच में कहीं 10 तो नहीं आ रहा. अगर इसके बीच में 10 आएगा तो उसको मिड कर देंगे, क्योंकि हमारा कोड ही कहता है ना कि जहाँ पे भी हमारा वो मिले, जहाँ पे भी हमारा टारगेट मिले, अगर वो मिड के इक्वल हो तो हमारा जो रेस है, रेस जो वेरिएबल है, उसको मिड कर दो. अभी तक हमारा रेस क्या था, अभी तक हमारा रेस हमें मिड में मिला था 5 में, अभी तक हमारा रेस 5 था. अब क्या करा हमने, स्टार्ट 0 एंड 0 दोबारा से, अब इसके अंदर तो जाएगा नहीं, एलिफ है क्योंकि ये, अब यहीं से दोबारा वापस यहाँ चला जाएगा. इसके बाद यहाँ पे आया, मतलब इसके बाद इसके अंदर आया, मिड कैलकुलेट किया, मिड हुआ 0 + 4/2 तो मिड हुआ 2. मिड 2 हुआ इसका मतलब इस वाली एरे में जो हमारी 0 से 4 तक की एरे थी, 0, 1, 2, 3, 4 तक की जो एरे थी, इस वाली एरे में 2 पे देखेगा क्या 2 पे 10 है, तो हमारे 2 पे 10 नहीं है, 2 पे 10 नहीं है, 2 पे 10 नहीं है, इसके अंदर नहीं जाएगा. रेस अभी भी 5 ही है, नीचे आएगा, देखेगा जो टारगेट है हमारा, जो हमारा टारगेट है, टारगेट 10 था,
क्या वो छोटा है जो हमारे नम सेकंड पे, मतलब जो अभी नम के मिड पे, अभी नम के मिड पे हमारा 2 है, तो जो हमारे यहाँ पे मिला है मतलब 2 हमारा अभी मिड है, और एलिमेंट कोई भी मान लीजिए, तो अगर वो छोटा नहीं है, लाइक अगर वो टारगेट उससे छोटा है, तो एंड में आके मिड -1 कर देगा। यार पूरी बाइनरी सर्च है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बाइनरी सर्च है, कुछ भी वो नहीं है, बेसिक बाइनरी सर्च।